प्यारे बच्चे, चलिए चलते हैं हम लोग फिर से आज फिजिक्स कर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं क्लास ट्वेल्थ का। तो क्लास ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स, हम लोग अभी पढ़ रहे थे फिजिक्स पे विद्युत धारा खंड का जो चैप्टर नंबर थर्ड है, विद्युतीय यंत्र के बारे में। और विद्युतीय यंत्र में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़े थे गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता कितना होता है, गैल्वेनोमीटर का व्यंजक क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का बनावट कैसा होता है, सबके बारे में हम लोग पढ़े। चलिए उसके आइए आगे उसके आगे पढ़ते हैं। तो उसके आगे का जो टॉपिक है वो है संट। प्यारे बच्चों, ये संट जो है SHUNT एक तरह का यंत्र है। संट क्या है? एक तरह का यंत्र है जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा हुआ होता है। और ये प्यारे बच्चों बहुत VVI पॉइंट है, तो इसको VVI करके उसके नीचे पहले कुछ हम लोग बात लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर इन चीजों को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से समझेंगे। चलिए, तो संट के बारे में सबसे पहले एरो देकर लिखेंगे। गैल्वेनोमीटर का व्यवहार अधिकतर, गैल्वेनोमीटर का व्यवहार सुनकर घबराए नहीं, संट टॉपिक है लेकिन गैल्वेनोमीटर से स्टार्ट करेंगे लिखना। ऐसा नहीं समझे कि सर संट तो टॉपिक दिवाए हैं और गैल्वेनोमीटर लिखवा रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। लिखेंगे गैल्वेनोमीटर का व्यवहार अधिकतर किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति जानने के लिए, किया जाता है। चलिए अब सेकेंड एरो देंगे, संट का सेकेंड एरो लिखेंगे। यदि गैल्वेनोमीटर से अधिक धारा प्रवाहित हो जाती है तो, उससे संबद्ध पहले छात्रों यहां लिखा हुआ है संबद्ध, उससे संबद्ध कमानी टूट जाती है या कुंडली जल जाती है। संबद्ध कमानी, कमानी कमानी टूट जाती है या कुंडली जल जाती है। अतः गैल्वेनोमीटर को प्रबल धारा से बचाने के लिए, परिपथ में उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, फिर से नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे संट एक तरह का बहुत कम वाला प्रतिरोध होता है जो गैल्वेनोमीटर को क्षतिग्रस्त होने से, बचाता है। चलिए अब हम लोग जरा इन बातों को समझते हैं कि व्हाट इज संट, संट क्या है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि इसके पहले हम लोग गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़े थे। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो कोई भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है उसको रीडिंग करने का काम करता है, उसको मेजर करने का काम करता है, विद्युत धारा को मापने का, मेजर करने का काम करता है। परंतु प्यारे बच्चों हम लोगों को जो गैल्वेनोमीटर है उसमें एक यंत्र लगा रहता है। कहां लगा रहता है ये प्यारे बच्चे? गैल्वेनोमीटर में लगा रहता है। अब गैल्वेनोमीटर में लगा रहता है एक यंत्र जिसका नाम है संट। अब संट का काम क्या है?
संट प्यारे बच्चों बहुत कम प्रतिरोध वाला, यानी कि संट का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, और ये बहुत कम यानी कि बहुत कम ही इसका प्रतिरोध होता है। और जो काम क्या करता है प्यारे बच्चे, हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसको जलने से बचाता है। यानी कि अगर कोई बोलेगा कि संट क्या है, तो हम यही बोलेंगे कि संट एक तरह का मशीन है, डिवाइस है, जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, यह गैल्वेनोमीटर में लगा हुआ होता है, ताकि अचानक से अगर परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है तो वहां पे जो गैल्वेनोमीटर में जो पतला तार देखे थे ना हम लोग, फास्फोरस ब्रॉन्ज का तार यूज किया जाता है, वो प्यारे बच्चों टूट जाता है। तो उसको टूटने से बचाने के लिए ही आज हम लोग एक यंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, आज हम लोग एक डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, जिसका नाम है संट। यानी कि गैल्वेनोमीटर को ही एक प्रोटेक्शन का काम, बचाव का काम करता है, जिसका नाम है संट। अब संट के बारे में एक चीज और हम लोग पढ़े कि संट को प्रतिरोध परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यानी कि हम लोग इसके पहले पढ़े हुए हैं विद्युत धारा में ही चैप्टर में कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है। यानी कि संट एक तरह का कम प्रतिरोध वाला यंत्र है जो गैल्वेनोमीटर में लगाया रहता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से जो प्रवाहित होने वाली धारा है, अगर धारा का मान अचानक अगर बढ़ेगा तो गैल्वेनोमीटर में जो पतला तार है प्यारे बच्चों, जिसका नाम फास्फोरस ब्रॉन्ज है, वो टूट जाता है। उसी को बचाने के लिए हम लोग एक यंत्र का नाम है जिसको बोलते हैं संट। अब जरा संट को समझने के लिए, हाँ याद रखिएगा कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं इसको परिपथ में। अच्छा एक अब इसके अंदर कुछ प्रूफ है। अब क्या प्रूफ है जरा फिगर से समझिएगा। मान लिया कि एक वायर है, एक तार है, ठीक है। अब इस तार में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है प्यारे बच्चों, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर, जी मतलब गैल्वेनोमीटर। अब इसी से एक संट को जोड़ा गया है। अब संट का मतलब कौन सी प्यारे बच्चों, तो हम लोग अभी पढ़े कि संट क्या है, एक तरह का प्रतिरोध है, तो इसको बोल दिए संट। एस मतलब संट और जी माने गैल्वेनोमीटर। प्यारे बच्चों यहां से जब हम लोग तार में विद्युत धारा आई प्रवाहित करेंगे, समझिएगा चीजों को, अगर हम इस तार में आई करंट पास करेंगे तो यहां के बाद इस तार में भी विद्युत धारा जाएगा और इस तार में भी विद्युत धारा जाएगा। तो यहां के बाद से हम इसको ये बोल रहे हैं कि जो गैल्वेनोमीटर वाला तार में धारा जाएगा उसको आईजी बोल रहे हैं, मतलब करंट जो जा रहा है गैल्वेनोमीटर वाला तार में जा रहा है, उसी तरीके से इसमें जो आएगा वो संट वाला में आएगा, तो आई एस इसको बोल रहे हैं। प्यारे बच्चों उसके नीचे जो फिगर बनाना है उस थोड़ा सा समझ के बनाना है, क्योंकि यहाँ पे उतना सारा चीज लिखेंगे नहीं हम लोग की कुछ माना ये वो, क्योंकि ये सब जो है ना बहुत छोटी छोटी बातें हैं और इनको समझना चाहिए आपको। तो ये गैल्वेनोमीटर में जो धारा जाएगा उसका नाम हो गया आईजी, और जो संट में जाएगा उसको हो गया आईएस। प्यारे बच्चों आप समझिए कि चूंकि संट क्या है, एक प्रतिरोध है, तो यहाँ पे एक प्रतिरोध जैसा दिखा दिए। और आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चे कि गैल्वेनोमीटर को भी एक तरीके का रेसिस्टेंस माना जाता है, गैल्वेनोमीटर भी एक तरह का क्या है, प्रतिरोध ही है। चलिए तो संट से होकर जो यहां पे गुजरेगा तो यहां पे फिर आईएस करंट, क्योंकि इस वाले संट में जितना भी धारा जाएगा उसको आईएस बोलेंगे, और इधर जब पास करेगा तो आईजी, और फिर आईजी और आईएस मिलके फिर वही करंट पास होने लगेगा। यानी प्यारे बच्चे शुरू में यानी स्टार्टिंग में I बराबर क्या हम लोग था, I दो पार्ट में बढ़ रहा था, एक IG प्लस IS, जहां IG का मतलब क्या है, IG का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा, और IS क्या है प्यारे बच्चों, संट में प्रवाहित धारा, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि कुल धारा, ये आई क्या है, कुल धारा है प्यारे बच्चे, कुल धारा, ठीक है। अब कुल धारा
आई बराबर आईजी प्लस आईएस, यानी कि कुल धारा आई है ये दो पार्ट में बट रहा है आईजी और आईएस, फिर दोनों आई और आईजी और आईएस मिलकर यहां पे वो एक कुल धारा बनाएगा यानी कि करंट आई बनाएगा। चलिए उसके बाद अगर हम लोग दोनों अलग अलग सिचुएशन में काम करें प्यारे बच्चे, तो हम लोग को कैसे कैसे दिखेगा वो जरा समझते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा इधर लिखते हैं। अब यहां पे दो तार है, एक गैल्वेनोमीटर के लिए और एक संट के लिए। तो सबसे पहले आप करिएगा गैल्वेनोमीटर के लिए, गैल्वेनोमीटर के लिए अभी जो हम लोग काम करने वाले हैं वो किसके लिए काम करने वाले हैं प्यारे बच्चे, गैल्वेनोमीटर के लिए काम कर रहे हैं। और जब भी गैल्वेनोमीटर के लिए आप काम करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा क्या जा रहा है, तो विद्युत धारा जा रहा है, धारा कितना जा रहा है गैल्वेनोमीटर में, आईजी। और गैल्वेनोमीटर में प्रतिरोध कितना है प्यारे बच्चे, तो प्रतिरोध जी है, यानी कि खुद गैल्वेनोमीटर है। अब इसमें गैल्वेनोमीटर के लिए अगर विभव का मान अगर हमसे पूछेगा तो विभव बराबर क्या होता है, फार्मूला ओम के नियम से होता है भी बराबर आई गुना आर, यानी कि ओम के नियम से विभव बराबर क्या होता है, धारा गुने प्रतिरोध। ओम के नियम से चूंकि भी बराबर भी माने विभव आई गुना आर, अब धारा कितना होगा तो आई जी गुना प्रतिरोध कितना तो कैपिटल जी, कौन सी बराबर तो विभव बराबर, समीकरण नंबर एक। वैसे ही जैसा कि हम लोग को यहां पे दो तार है प्यारे बच्चे, एक गैल्वेनोमीटर है और एक संट है। तो अब जरा हम लोग गैल्वेनोमीटर के लिए जैसे काम किए हैं अब थोड़ा सा और चीज मिटाते हैं। अब जरा सा चीजों को अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा, जैसे हम जो जो चीज लिख रहे हैं उसको लिखने के बाद ही आप कुछ नया चीज लिखिएगा, जो मिटा रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखने के बाद ही आप। चलिए गैल्वेनोमीटर, अब हम लोग आते हैं शंट के लिए, शंट के लिए, शंट के लिए काम करें प्यारे बच्चों। तो यहां पे धारा का मान कितना हो रहा है, संट में जो धारा जा रहा है प्यारे बच्चे वो जा रहा है आईएस, और यही संट में जो प्रतिरोध है प्यारे बच्चे वो क्या है एस है। और यहां पे जरा विभव निकाले तो यहां पे भी विभव का फॉर्मूला ओम के नियम से धारा गुना में प्रतिरोध, यानी कि यहां पे जो भी का वैल्यू आया धारा कितना प्यारे बच्चों आईएस और प्रतिरोध कितना कैपिटल एस। चलिए अब इसको क्यों ना मान लिया जाए समीकरण एक समीकरण दो। अब जरा समीकरण एक और समीकरण दो देखिए, भी बराबर यानी कि अब जो हम लोग को फार्मूला मिलेगा वो क्या क्या मिलेगा वो जरा समझते हैं। तो समीकरण एक और समीकरण दो से चलेंगे, समीकरण एक एंड समीकरण दो से। प्यारे बच्चों आप देखिए समीकरण एक और समीकरण दो, समीकरण एक में लेफ्ट साइड भी है, समीकरण दो में बाएं तरफ भी है। तो जब दो समीकरण रहे और बाएं तरफ का चीज अगर दोनों तरफ बराबर रहे तो दाहिने तरफ वाला भी क्या होता है बराबर होता है। तो इसलिए लिखिएगा आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस, ठीक है। अब यहां तक के लिखने के बाद आपको ये इसका फॉर्मूला निकालना है कि सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर वाला तार में कितना धारा जाएगा, सिर्फ गैल्वेनोमीटर वाला तार में कितना धारा प्रवाहित होगा। तो इसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं कि आईजी को ऊपर और आईएस को नीचे लिखें तो क्या मिलेगा आईजी बट्टा आईएस। देखिए ये वाला आईएस को नीचे कर लिए तो ये जी गुना में है तो जी नीचे भागा में चला जाएगा एस बट्टा जी। प्यारे बच्चे यहां पे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पे दोनों तरफ एक जोड़ना पड़ता है, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, तो इधर एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आई जी बट्टा आई एस प्लस एक बटा एक और एस प्लस जी एक बटा एक, एक को हम एक बटा एक भी लिख सकते हैं। यहां एलसीएम लेंगे कितना होगा आई एस, आई एस आई एस एक बार में कटेगा तो बचेगा क्या आई जी फिर प्लस आई एस बराबर यहां हो जाएगा जी
और यहां हो जाएगा एस प्लस जी। पहले बच्चों आप देख पा रहे होंगे अभी हम क्या निकाल रहे हैं, आईजी बट्टा आईएस निकाल रहे हैं, और ऐसा काम करते करते हम लोगों को फॉर्मूला प्रूफ करना है कि कितना गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित होगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, जरा देखिए फिर आगे काम करते हैं। हम लोग शुरू में ही सीख चुके हैं प्यारे बच्चों कि गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों को मिलाकर, यानी कि यहां पे चीजों को देखिए, गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों को मिलाकर कितना होगा कुल धारा। तो गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों को मिलाकर कुल धारा हम आई लिख सकते हैं, जैसे कि अभी अभी हम लोग पढ़े कि कुल धारा का वैल्यू क्या है, तो आई जी प्लस आई एस, और बट्टा में कितना, आई एस बराबर एस प्लस जी, एस प्लस जी बट्टा में जी। अब जब हमें आई एस का वैल्यू करना होगा तो तिरछा तिरछी गुना कराएंगे, तो आई जी बराबर आई एस गुना एस प्लस जी, इसलिए आई एस का मान कितना होगा, तो बराबर आई जी ऊपर रहेगा, यानी कि आई इंटू जी ऊपर रहेगा और जी प्लस एस। प्यारे बच्चे यही वो फॉर्मूला है, यही वो फॉर्मूला है जो हमें ये बता रहा है कि शंट में कितना धारा जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन रहेगा कि कुल धारा 2 एम्पियर रहेगा, गैल्वेनोमीटर में 5 ओम का प्रतिरोध है और शंट में 8 ओम का प्रतिरोध है, तब शंट में कितना धारा प्रवाहित होगा, हम लोग का व्यंजक प्राप्त हो गया। यानी कि ये वो फॉर्मूला अभी हम लोग ऐसा करते करते निकाले जिससे ये पता चल रहा है कि शंट में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। तो शंट में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है आई ब्रैकेट जी बटा जी प्लस एस, याद रहे यहां पे तिरछा तिरछी हम लोग गुना किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आई एस का मान निकालना था तो आई एस के मान ये दोनों क्या है गुना में, तो इसको रख दिए भागा में, आई जी बटे इतना, तो आई को हम लोग बाहर कर लिए, जी बटा उतना कर लिए। तो इस तरीके से भी हम लोग संट में कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो इसको लिख लीजिए संट में प्रवाहित विद्युत धारा। अगर कोई पूछेगा कि संट में विद्युत धारा कितना प्रवाहित होगा तो आप ऐसा ही लिखिएगा आई एस बराबर आई गुना जी प्लस जी बटा जी प्लस एस। अब जरा हमसे एक और व्यंजक प्राप्त करने पे आ सकता है क्वेश्चन कि जरा सर आप संट में कितना प्रतिरोध निकाल रहे हैं, ये तो हम समझ गए, जरा अब आप ये निकाल के देखिए दिखाइए कि आखिर गैल्वेनोमीटर में भी तो धारा प्रवाहित हो रहा है। जैसे मान लिया कि कुल धारा आई था, अब जब आई धारा कुल दे रहे थे तो दो टर्म में, एक संट में भी जा रहा था एक गैल्वेनोमीटर में भी जा रहा था, तो अभी तो हम खाली संट में कितना प्रतिरोध जाएगा, सॉरी संट में कितना विद्युत धारा जाएगा उसका मान निकाले। ऐसा आप निकाल के दिखाइए कि खाली गैल्वेनोमीटर में कितना धारा जाएगा, आखिर कुछ धारा तो गैल्वेनोमीटर में भी जा रहा है और कुछ धारा संट में भी जा रहा है, तो संट में कितना धारा जा रहा है, तो आई गुना जी बटा जी प्लस एस, जहां जी मने कुंची गैल्वेनोमीटर, एस मने संट का प्रतिरोध, जी मने गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। चलिए तो अब आइए हम लोग एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। इस बार हम लोग आई जी बटा आई एस जो किए है ना, अब यहां पे एक काम आपको करना होगा, आपको फिर यहां तक लिखने के बाद फिर से लिखना होगा पुनः समीकरण एक और दो से, इसको लिखिएगा दोबारा, इसको भी लिखिएगा क्योंकि इसी से हम ये लिखे हैं, अरे ये लिखा हुआ है ना, तो हम लोग इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा ना, ये इसी को हम आई जी और ये इधर वाला उप गुना था तो इसको हम लोग भागा में आई एस ले लिए, इधर गुना था तो इसको भागा में दे दिए। यहां तक उतारना है, उसके बाद क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। यहां पे देखिए कोई चीजें प्यारे बच्चों जो भी प्रूफ करने वाला होता है ना वहां पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है, कुछ याद भी रखना पड़ता है कि कौन से कंडीशन में और कब वो काम करनी है जिससे हम प्रूफ पे पहुंच सकते हैं। तो यहां पे लिखना होगा दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम करने पर
जब भी व्युत्क्रम करेंगे प्यारे बच्चे क्या होगा, ये पलट जाएगा दोनों, तो यहां हो जाएगा आई एस बटा आई जी बराबर जी बटा एस। अब यहां लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, और जब दोनों तरफ एक जोड़ेंगे प्यारे बच्चे तो यहां पे क्या होगा जरा देखिए, यहां पे बनेगा आई एस बटा आई जी प्लस वन और यहां बनेगा जी बाई एस प्लस वन, यानी कि दोनों तरफ ऐड कर लेना है। और दोनों तरफ ऐड करने पर क्या बनेगा जरा यहां फिर से लिखते हैं, यहां पे जो बनेगा प्यारे बच्चे आई जी एलसीएम हो जाएगा और यहां बच जाएगा आई एस प्लस आई जी बराबर जी प्लस एस, इतना चीज बनेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि आई एस और आई जी को जोड़ने से क्या बनेगा, टोटल करंट आई मिलता है बटा आई जी बराबर जी प्लस एस बाई एस। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आई को एस से गुना करेंगे आई एस और आई जी को गुना कर देंगे जी प्लस एस। तो अब आई जी का मान ज्ञात करना होगा तो क्या लिखेंगे, आई जी बराबर आई एस बटा जी प्लस एस, यानी कि अब जो हम लोग को यहां पे आ गया वो क्या आ गया, गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित विद्युत धारा। यानी कि प्यारे बच्चे अगर हम लोग दोनों प्रूफ को जरा अच्छा से देखें तो गैल्वेनोमीटर में कितना प्रवाहित होगा, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन जब गैल्वेनोमीटर में धारा बोलेगा तो ऊपर रखना है एस, और जब संट में कितना धारा प्रवाहित होगा तो ऊपर रखना है गैल्वेनोमीटर का, नीचे दोनों में एक ही होगा। तो अभी तक के हम लोग देखे कि संट में जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है वो कितना होता है, गैल्वेनोमीटर में जो प्रवाहित विद्युत धारा है वो कितना होता है, जरा हम लोग कुछ इस पे एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो पहले आप कभी भी ये दोनों प्रूफ हम दिखा दिए, आपको कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, जब भी अगर आपको गैल्वेनोमीटर में धारा पूछेगा तो आप आई का तो आई लिखिएगा, और जब गैल्वेनोमीटर पूछ रहा है तो आप यहां संट लिखिएगा और नीचे टोटल, टोटल माने संट प्लस गैल्वेनोमीटर, चाहे गैल्वेनोमीटर प्लस संट। और जब हमको संट में पूछेगा कि संट में कितना धारा प्रवाहित होगा तो कुल धारा जब संट पूछ रहा है तो आप ऊपर रखिए गैल्वेनोमीटर बटा टोटल संट प्लस गैल्वेनोमीटर। यानी कि देख पा रहे हो कि दोनों फॉर्मूला में, दोनों में कौन कौन सा कॉमन है भाई, तो आई आई तो लिखना ही है, नीचे वाला दोनों में सेम सेम लिखना है। अगर गैल्वेनोमीटर पूछेगा तो आपको संट लिखना है और संट में धारा पूछेगा तो गैल्वेनोमीटर लिखना है। अभी कैसे लिखना है, का लिखना है, कैसे होता है वो हम लोग प्रूफ भी कर लिए हैं कि गैल्वेनोमीटर में कितना धारा प्रवाहित होता है, संट में कितना धारा प्रवाहित होता है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए सवाल ऐसा रहेगा, लिखा जाए पहले क्वेश्चन, एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन लिखा जाए, लिखेंगे एक गैल्वेनोमीटर विद्युतीय यंत्र में, एक गैल्वेनोमीटर विद्युतीय यंत्र में गैल्वेनोमीटर के साथ संट जुड़ा हुआ है, संट जुड़ा हुआ है जिसमें संट तथा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्रमशः दो ओम तथा चार ओम है। पूर्णविराम, यदि इस यंत्र में दस एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो गैल्वेनोमीटर में कितना धारा प्रवाहित होगा,
कितना धारा प्रवाहित होगा। चलिए तो प्यारे बच्चे आपको समझना होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक विद्युतीय यंत्र है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर में उसके साथ साथ संट जुड़ा हुआ है। अब चूंकि गैल्वेनोमीटर में संट भी जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि गैल्वेनोमीटर का भी कुछ प्रतिरोध है और संट का भी कुछ प्रतिरोध है। तो सवाल में बोला कि संट तथा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है जो पहले नाम आया है उसका मान पहले, यानी कि संट पहले बोला तो संट के लिए मान हो जाएगा 2 ओम, और फिर बोला गैल्वेनोमीटर इसके लिए 4 ओम। फिर बोल रहा है कि यदि पूरे विद्युतीय यंत्र में यानी कि गैल्वेनोमीटर में 10 एम्पियर का कुल धारा प्रवाहित किया जाए, तब आप ये बताइए कि गैल्वेनोमीटर में कितना धारा प्रवाहित होगा। तो अभी हम लोग सीखे ना सूत्र से जो फॉर्मूला प्रूफ किए थे कि आईजी का अगर पूछ रहा है तो आई इंटू फिर कितना, तो यहां पे जी पूछ रहा है तो ऊपर रखना है एस और एस प्लस जी नीचे टोटल, तो आई का मान कितना प्यारे बच्चों 10 इंटू और सबका वैल्यू मान पुट करके और उसका आंसर लगा देंगे। उसका भी आंसर किस में आएगा, एम्पियर में आएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कितना धारा प्रवाहित होगा, धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लिखा जाए। इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1। एक ही क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन लिखा जाए क्वेश्चन विद्युतीय यंत्र के रूप में, विद्युतीय यंत्र के रूप में विद्युतीय यंत्र के रूप में पांच ओम वाला एक संट गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ा हुआ है। यदि 5 ओम वाला संट गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ा हुआ है, फिर लिखेंगे यदि गैल्वेनोमीटर में कुल प्रवाहित धारा 12 एम्पियर का किया जाए तो 12 एम्पियर का किया जाए तो संट में प्रवाहित धारा का मान 7 एम्पियर हो जाता है तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन, यानी कि एक ही क्वेश्चन हम दिए हैं, एक तो आप सॉल्यूशन खुद कर लेंगे, तो जो भी हम क्वेश्चन बोल के लिखवाए हैं आप जरूर से जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा। फिलहाल अब जो टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, लिखेंगे शंट का उपयोग। जैसा कि अभी हम लोग लिखे भी हैं, लेकिन लिख लीजिए इसको अलग से, शंट का उपयोग आरो देकर लिखेंगे। शंट के उपयोग निम्नलिखित है, पहला नंबर वन गैल्वेनोमीटर की कुंडली को जलने से बचाता है। फिर लिखेंगे दूसरा, एमीटर की माप सीमा को बढ़ाता है। तीसरा लिखेंगे,
गैल्वेनोमीटर में उत्पन्न विक्षेप को भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। कंट्रोल का मतलब उसको देखरेख, उसको जलने नहीं देता है। तो कुल मिलाकर ये संट का उपयोग था। आज हम लोग पूरी की पूरी कहानी संट के बारे में पढ़े, और संट के बारे में प्यारे बच्चों पूछता भी है, तो इन चीजों को अच्छा से अच्छा परिभाषित करने के लिए याद कर लीजिए चीजों को, प्रूफ देख लीजिए, प्रूफ को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जो क्वेश्चन है इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।